आप अभी सबके सब दीपावली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। दीपावली के त्यौहार में सबके घर में प्रकाश, सभी के घर में उजाला, घर आंगन की सफाई, सब तरह से स्वच्छता महसूस कर रहे थे। जिस जगह को कभी नहीं सफाया जाता है, उन जगहों को भी दीपावली के पहले सभी लोग बड़े उत्साह के साथ सफाई शुद्धता की ध्यान देते हैं। और जहां हमेशा अंधेरा हो, उस जगह पर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। जहां तक लोग धान की कोठरियां होती है, वहां कभी प्रकाश नहीं दिखाई देता, लोग वहां भी प्रकाश दीप प्रज्वलित करते हैं। ये हिंदू परंपरा में ये त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। काश ऐसे ही दीप हमारे अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाता, हमारे अंदर से अंधेरा गायब हो जाता, अंधकार खत्म हो जाता, तो कितना सुखद जीवन होता। और ये चाहे तो हम सब कर सकते हैं। एक दीप जलाने के लिए तेल की, दिए की और बाती की जरूरत होती है, लेकिन अपने अंदर ज्ञान के दीप जलाने के लिए आप कई दीप जलाना चाहते हैं, तो आपके पास में वो क्षमता होने चाहिए, वो पूंजी होना चाहिए, तब आप कई दीप जला पाएंगे। लेकिन यदि अंदर ज्ञान का दीप जलाना चाहेंगे तो इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती है। न पैसा लगता है, न धन द्रव्य चाहिए, बस आप अपनी योग्यता बढ़ाएंगे तो वह आपको वो चीज मिल जाएगी। बाहर के दीप से, बाहर की रोशनी से हमारे अंदर रोशनी नहीं आ सकती है। हम चाहे लाख दीप जला ले, लेकिन अंदर की रोशनी नहीं जगाए हैं, अंदर का दीप नहीं जलाए हैं, तो अंदर अंधियारा ही छाया रहेगा। बाहर के चकाचौंध में, बाहर की रोशनी में, बाहर के प्रकाश में हम ना भूल जाए, अंदर का दीप भी जलाए हैं। अंदर का दीप कौन सा दीप है? प्रेम का दीप, क्षमा का दीप, उत्साह का दीप, आनंद का दीप। क्या इस दीप के लिए हम समय देते हैं? और यही दीप नहीं जलाया तो बाहरी दीप जलाते जलाते जीवन बीत जाएगा। और जो आनंद होना चाहिए, जो प्रसन्नता होना चाहिए, जो घर में एक दूसरे के बीच में जो चेहरे में मुस्कान रहना चाहिए, वो मुस्कान कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने भीतर का दीप ही नहीं जलाया। भीतर का दीप ही नहीं जलाया, भीतर का दीप जलाए हम सब। और भीतर के दीप जलाएंगे तभी हम अपनी रोशनी, अपने ही रोशनी से हम जगमगाएंगे, बाहर रोशनी की जरूरत नहीं है फिर। और जब हम अपने रोशनी को महसूस करेंगे और खुद जगमगाएंगे, तो औरों को प्रकाशित करेंगे। क्या इसके लिए हम समय देते हैं? संपत्ति जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपस के प्रेम को बढ़ाने के लिए, मन की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, जीवन में शांति बनाने के लिए। क्या इसके लिए भी हम समय देते हैं? आप देखे होंगे, प्रेम भी सूखता चला जाता है, प्रेम भी सूखता चला जाता है। प्रेम सूखता कैसे चला जाता है, आप महसूस करेंगे। जिस दिन आपके घर में पति और पत्नी में, देरान और जेठान में, भाई और भाई में, पिता और पुत्र में, आपस में प्रेम की बातें, सहज बातें नहीं, बातें बंद हो रही है,
बस एक दूसरे की बातें एक लब्जे में खत्म करना शुरू कर दे रहे हैं। एक दूसरे से हम ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब आपके हमारे परिवार में, घर में, समाज में प्रेम सूखता चला जा रहा है। प्रेम भी सूखता है, इसको सींचना होगा आपको। और प्रेम को सींचने के लिए आप हम सबको अपने अहंकार को मारना होगा, पहले से झुकना होगा। कहीं सेवा में आगे होना होगा तो कहीं समर्पण भाव आगे दिखाना होगा, तो कहीं ना कहीं अपना दायित्व तो निभाना होगा, तब कहीं प्रेम को हम सींच पाएंगे। कभी कभी मन में टकराहट हो जाती है, मैं ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा काम नहीं करता है, तो क्या इसके लिए हमें अपने को समर्पित, अपने को मिटाना होगा। कभी कभी होता यह है, बड़े पहले से बात करते हैं और मैं छोटा हूं पर भी बात नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी अपने अहंकार को मार करके जानते हैं कि कभी कभी बड़े से भी गलती हो गई है, पर भी वो नहीं झुकना चाह रहे हैं। हम छोटे हैं झुक जाए, ये हमारा बड़प्पन है। बड़े हैं झुक जाए, ये हमारा बड़प्पन है। तब घर आनंद से चलता है। पैसे बस से आनंद से नहीं चलता है घर, पैसे बस से नहीं चलता है। बहुत गरीब लोगों को देखा गया है, कभी एक दूसरे टकराहट नहीं होती है। कभी एक दूसरे में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, देरान जेठान में कभी गाल नहीं फुलाते हैं। बड़े हंस के मुस्कुरा करके जीवन को बिता देते हैं। और जब नींद भी जाते हैं, रात्रि सोने जाते हैं, तो करवटे नहीं बदलते रहते हैं। जैसे बेड पर जाते हैं उनकी नींद लग जाती है। बहुत से लोग बिस्तर पे जाते हैं और पति और पत्नी एक दूसरे की निंदा और चुगली करते करते रात बीत जाती है। तुम्हारे पति ऐसे, तुम्हारे माँ ऐसे है, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं। क्या हम दूसरे की शिकायत करके जीवन को सुंदर बना पाएंगे? हम अपने अंदर एक दीप जलाए, अपने अंदर एक रोशनी प्रकाशित करें, अपने अंदर ही अपने ही प्रकाश से जगमगाए, अपने ही खुशी, अपने ही प्रेम, अपने ही अंदर प्रेम पनपाना होगा। प्रेम को सींचिए आप। आपके धन, आपके घर में, परिवार में धन एक सीमित दायरे में है, लेकिन प्रेम, प्रेम को आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता चला जाता है। और धन को भी बढ़ाने से बढ़ता है। और हम सब धन बढ़ाए हैं, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे आश्रम हो। पहले यहां झोपड़िया थी, अब महल खड़ा हो गया है। पहले आपके घर में सिंगल मंजिल था, अब डबल मंजिल हो गया है। पहले आपके पास में साइकिल थी, अब बाइक हो गया है। आपके पास में गाड़ी बाइक थी, अब कार हो गया है। आपके घर में चार सदस्य थे, अब छह सदस्य हो गए हैं। पहले आप बच्चे थे, अब पिता बन गए हैं। अब पहले पिता थे, अब दादा बन गए हैं। क्या ऐसे ही अपने अंदर प्रेम को भी पनपाए हैं? जब हम प्रेम को सींचना नहीं जानते हैं ना, तो सब कुछ रहते हुए भी हम विपिन्न होकर के जीवन जीते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी जीवन जीते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे चेहरे में मुस्कान नहीं होती है, आनंद नहीं होता है, शिकायत। और जब हम खुद प्रसन्नता महसूस नहीं करते हैं ना, तो हम औरों को चीज नहीं दे सकते हैं। इसलिए सत्संग की जरूरत होती है। इसलिए सत्संग, आप सत्संग में आए, सत्संग में शायद वही बातें होती है। इसके पहले महीने जो बातें कही गई थी वही बातें होगी, उसके पहले महीने जो बातें कही गई थी वही बातें होगी। सत्संग में दोहराया जाता है, नया चीज कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मिलता क्या है बताऊं? आप बहुत से लोग हैं जो सत्संग में नहीं आए हैं, और सत्संग में नहीं आए हैं तो बहुत से लोग हो सकता है गलत निर्णय लिए होंगे। आप सत्संग में आए मतलब आपने एक चुनौती दिया। कौन सी चुनौती? मुझे घर में बैठ के मोबाइल नहीं चलाना है, मुझे घर में बैठ के टीवी नहीं देखना है। आप सत्संग का निर्णय लिए, मतलब वो निर्णय जाने अनजाने में वो निर्णय आपसे हो जाता है। एक निर्णय आप लेते हैं सही निर्णय, मतलब आप गलत निर्णय से बचते हैं, गलत निर्णय से बचते हैं। और यदि रोज सत्संग में आ रहे हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मन में कभी कभी होता है, मन में कभी कभी होता है। और ये चीज वही एक दिन है ना, वही एक दिन हमको गलत जगह में ले जाकर के फंसाता है। एक दिन, हम रोज गलती नहीं करते हैं।
एक दिन हम गलत जगह में जाते हैं और फंस जाते हैं, हम एक दिन सत्संग में नहीं आए हैं, उसी दिन हम बैठ करके निंदा और चुगली शुरू कर देते हैं। किसके प्रति निंदा और चुगली? एक सासु माँ अपने बहू की निंदा और चुगली शुरू कर दी। वो बातें उनकी बहू सुन लेती है। अब वो बहू जो रोज श्रद्धा और प्रेम से गर्म पानी करती थी, गर्म भोजन कराती थी, अब उनके प्रति अश्रद्धा हो गई। अब वो नहीं चाहती है कि मैं सासु माँ की सेवा करूं। अपने जीवन के लिए हमने बहुत बड़े गलत निर्णय ले लिया। फिर सत्संग का परिणाम क्या होता है? सत्संग के आधार से ही जीवन को बदला जाता है। और एक साधारण से शब्दों में कहा जाए तो सत्संग से बहुत चीज नहीं मिलता है, लेकिन जीवन जीने की कलाएं मिलती हैं, जीवन जीने का सूत्र मिलता है। हम अपने समय का सही दोहन करते हैं हम। और ये सत्संग आप सबको जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा आने वाली पीढ़ी को जरूरत है। हर माँ बाप के एक मन में शिकायत होती है कि बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। क्या आप बच्चे को सिखाए हैं? क्या हम आने वाले पीढ़ी को चीज सिखा पाते हैं? बच्चे को कभी आश्रम में ले गए हैं? आश्रम में ले जा करके हम जाते हैं, बार बार आश्रम में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमको फायदा लगता है, कहीं ना कहीं हमको सुकून महसूस होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक तरंगायित होता है कि मैं आज आश्रम में गया था, आज मैंने कुछ सीखा, कुछ पाया, मैंने अपने समय का सही जगह दोहन किया। क्या आप कभी बच्चे को भी ले जाते हैं? बच्चे को सत्संग सिखाते हैं, बच्चे को पाठ सिखाते हैं, बच्चे को सेवा सिखाते हैं, बच्चे को आश्रम की जैसे सफाई शुद्धता सिखाते हैं, बच्चे को ले जाकर के खुद स्वयं स्वावलंबी बनने का कर्तव्य सिखाते हैं? क्या ये चीज भी आप सिखाते हैं? आप नहीं सिखाते हैं। और आप कहते हैं कि बच्चे कहाँ नहीं मानते। आप जितना सत्संग में आते हैं उसके आधे दिन भी बच्चे को सत्संग में नहीं लाते हैं। कहीं किसी भी मतपंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सत्संग में ले जाने से उनके मन में कुछ न कुछ तो लहर पैदा होगा। यदि हमारे पिता, हमारे दादाजी यदि सत्संग में नहीं जाते तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ नहीं बैठे होते, नहीं बैठे होते। किसी न किसी भांति से हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग हमको जोड़े हैं, तब आज हम लोग सत्संग में बैठे हैं और सत्संग का महत्व समझ रहे हैं। वैसे ही बच्चे को वो चीज सिखाइए। आप बच्चे को पैसा कमाना सिखाते हैं, पैसा कमाता है बच्चा। आप बच्चे को सिखाते हैं बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करता है, खेती कैसे करना है, खेती करता है, मकान कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ये सारे चीज सिखाते हैं। आपके बच्चे सीखते हैं चीज। और यदि जीवन का पाठ पढ़ाया जाता, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे बड़ों के साथ आदर और भाव का सत्कार आदर भाव और सत्कार करना है, ये चीज सिखाते तो बच्चे वो चीज सीखते। कहीं ना कहीं हम अचूक कर जाते हैं, गलतियां हो जाती है, जिसके बदले बच्चे नहीं सीख पाते हैं। बच्चे जैसे पैदा होते हैं उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है, वो देश दुनिया में जाते हैं, पढ़ते हैं। एक ने कहा कि बच्चे को हमें दुनिया नहीं दिखाना चाहिए। बच्चे को थाईलैंड, अमेरिका, इजराइल, दुबई, मॉरिशस, ये सारे चीज ना दिखाने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम वो चीज दिखाए कि जीवन का निर्माण कैसे करना है। किसान कैसे खेत में धान की पैदावारी करता है, एक घर की बहू अपने घर में कैसे अपने शरीर को पूरा तोड़ देता है, दिन भर घर की सफाई, भोजन बनाना, घर की पूरी मैनेजमेंट करना, उसके बाद बच्चे को तैयार करना, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, ये सारे मैनेजमेंट, ये चीज बच्चे को सिखाते। एक एक मिनट का उपयोग सिखाते तो बच्चे कुछ और चीज सीखता। हर माँ बाप के केंद्र में अब बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और खूब पैसा कमाए, ये चीज हो गया है। और ये चीज जरूरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप जीवन की कला सिखाए। आप अभी बहुत पैसा कमाते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, बुढ़ापे में काम आएगा। आपसे पूछूं
जिस दिन आप खाट में पड़े होंगे, बेड रेस्ट ले रहे होंगे, आप अपने ही शरीर को नहीं चला पाएंगे, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। आप अपने ही शरीर से चलायमान नहीं होंगे, अपने ही हाथ नहीं उठा पाएंगे, अपने ही पैर से नहीं चल पाएंगे, क्या उस दिन मात्र आपके बैंक अकाउंट के पैसा काम आएगा? वो तो काम आएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपका सेविंग अकाउंट सही होता तो वो ज्यादा काम आता। कौन सा सेविंग अकाउंट? आपके बच्चे आपके सेविंग अकाउंट है, आपके बच्चे आपके सेविंग अकाउंट है। यदि आपने बहुत पैसा नहीं कमाया है, उनके लिए मात्र मकान बना दिया, कुछ खेती है, इतना ही काफी है, बैंक बैलेंस नहीं किया है, और बच्चे को अच्छा संस्कार आपने दिया है ना, तो आपके बच्चे आपकी बीमारी के अवस्था में आपके साथ देंगे, आपकी इलाज करेंगे, कहीं से भी व्यवस्था करके इलाज करेंगे आपकी। आपके बच्चे आपके हर कदम पर कदम मिलाने के लिए तैयार रहेंगे। आप पुकारेंगे तो दौड़ करके आएंगे। और कहीं बच्चे आपका सेविंग अकाउंट सही नहीं, आपने सही संस्कार उनके अंदर इंक्लूड नहीं किया, सही चीज नहीं भरा, तो आपके बच्चे से आउटगोइंग सिर्फ आपको पैसा बस मिलेगा। यदि आप बच्चे के अंदर पैसा बस भरते हैं, पैसा कमाने बस सिखाते हैं, तो आपको आउटगोइंग में उनसे वही चीज मिलेगा। जिस दिन आपके तबियत खराब होंगे, कभी आपको जरूरत महसूस हो गई, कभी आप सत्संग में जाना चाहेंगे, कभी आपके मन में श्रद्धा हुई कि मुझे गुरु जी के सत्संग सुनने जाने का मन हो रहा है, आप जाना चाहेंगे और आप चल नहीं पाएंगे, तो आप अपने बच्चे से कहेंगे ना, बेटा चलो सत्संग सुनने मेरे जाने का मन है, तुम चलो साथ में। आपके बच्चे कहेंगे, पापा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चले जाओ, गाड़ी व्यवस्था कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आपको उस दिन लगेगा, मैंने इतना धन इकट्ठा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया, पर बच्चे मेरे मूर्ख निकल गए। गलती आपकी है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गलती आप कर जाते हैं। आपको अपने आप को ही ना कोसना पड़ जाए। और दूसरी बात, आप जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, आप इतना गंभीर और प्रिय बोलिए, इतना मीठा बोलिए कि आपके घर वाले आपके चाहते हो जाएंगे। ये बोलने की कला, जीवन बीत जाता है, बोलने की कला नहीं आ पाती है लोगों के पास में, बोलने की कला नहीं आ पाती है, जीवन बीत जाता है। और पूरे हमारे भारतीय परंपरा में ये दो महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत, दोनों का जो विद्रोह रूप आया है, खतरनाक रूप आया है, ये बोलने की कला नहीं होने की वजह से आया है। जब राजसिक्य करते हैं तो द्रौपदी जब राजमहल में जाते हैं, और द्रौपदी राजमहल में थी, दुर्योधन राजमहल में जाते हैं, वहां जल थल दिखता है, थल जल दिखता है, जहां दीवारें नहीं वहां दीवारें दिखती थी, ऐसा चित्रित किया गया था दीवार को, ऐसा बनाया गया था। दुर्योधन आगे बढ़ता है, उनकी दासी कहती है, महाराज यहाँ आगे कीचड़ है, आप आगे न जाड़े, आगे न जाए। दुर्योधन कहते हैं, हट दासी, तुम मुझे सिखाओगे। दुर्योधन गलती करता है, गलत बोलता है, आगे निकल जाता है। जैसे आगे निकलता है, आगे निकलता है, और जहां थल दिखता था वहां जल है, वो नहीं जाना, और उनकी बात काट दिया। और जैसे आगे जड़ता जाता है, पानी से वो कीचड़ से लथपथ हो जाता है। द्रौपदी ऊपर से बोलती है, अंधे के अंधे पुत्र। ये पूरा महाभारत युद्ध का कारण है। आप भी कहीं गलती से कोई आदमी अंधा है, उसको अंधा कभी मत बोलना। यदि हम गलती से अंधे को अंधे बोलते हैं, मतलब हम पहले अंधे बनते हैं। वो तो अंधा है, दिख ही रहा है, और उसके बाद भी हम उनको अंधे बोल रहे हैं, तो हम तो अंधे बन गए ना, हम अंधे ना बने। जो लंगड़ा है उसको लंगड़ा ना बोले, अंधे है उसको अंधे मत बोले, जो चोरी करता है उसको चोर ना बोले, उनको बल्कि सही शब्दों में उनको प्यार से सहला करके सतमार्ग पर लाए हैं, सतमार्ग पर लाए। एक महाभारत युद्ध का परिणाम
अंधे के अंधे पुत्र इतना ही बोले थे। और दुर्योधन सोच लेता है चाहे जिस किसी प्रकार से एन प्रकारें चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मुझे पांडव का विनाश करना है। और पूरा विनाश होता है। कहीं हम अपने घर में एक छोटी सी गलती की वजह से अपने घर को तोड़ तो नहीं रहे हैं? एक छोटी सी गलती की वजह से हम अपने ही पुत्र से पराये हो जा रहे हैं? एक छोटी सी गलती से हम अपने ही बाप से अपने ही पिता से दूरी बनाते चले जा रहे हैं? इस शब्दों में बहुत लगाम चाहिए। ये जीभ है ना, इतना मुलायम, उसमें हड्डियां भी नहीं है और असावधानी पूर्वक यूज किया गया तो जीवन को बर्बाद कर देगा। हमारे आंखें दो हैं, काम सिर्फ एक है। कान दो है, सिर्फ काम एक है। नाक दो है, सिर्फ काम एक है। लेकिन जीभ एक है, काम कितने हैं? उसी से रसपान करते हैं, उसी से भोजन करते हैं, उसी से हम बोलते भी हैं। काम तीन काम है। और बहुत सावधानी की जरूरत है। दांतों हड्डियां जैसी दांत के बीच में एक मुलायम से जीभ है, थोड़ी भी असावधानी होती है तो दांत उसको कुचल देता है। और हम सही उपयोग नहीं करते हैं जीभ का तो हमारे जीवन को कुचल देता है। एक घटना ये। दूसरी घटना, जब सीता हरण की बारी आती है और रावण वेश बदल करके आता है और जब भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांगते हैं, उसके पहले की घटना, उसकी पहले की घटना है, श्री राम और सीता स्वर्ण मृग देखते हैं और स्वर्ण मृग देख करके उसमें लोभित हो जाते हैं। और सीता बोलती है मुझे यह हिरण चाहिए। और श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम्हारे भाभी को हीरा, ये हिरण पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसे किसी भी भांति से लाता हूं और तुम यहां देखभाल करना, सुरक्षा करना। लक्ष्मण बोलते हैं भैया ये घनघोर जंगल है, राक्षसों से घिरा हुआ जंगल है, यहाँ ये जाल है, स्वर्ण का मृग नहीं होता है। पर उनके बातें नहीं मानते हैं राम और चले जाते हैं। जैसे जाते हैं मारीच को बाण मारते हैं, मारीच श्री राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं, सीता घबरा जाती है और बोलती है तुम्हारे भैया विपत्ति में है, तुम चले जाओ, तुम्हारे भैया विपत्ति हैं, तुम चले जाओ। और होता क्या है, लक्ष्मण कहते हैं मेरे भैया को कोई विपत्ति नहीं हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। तब सीता बोलती है, क्या बोलती है, उसी का परिणाम है सीता हरण। क्या बोलती है, तुम और भरत पहले ही अयोध्या में मीटिंग कर चुके थे कि श्री राम को मार देंगे और सीता को अपना लेंगे, राजगद्दी अपना लेंगे, तुम्हारे चंगुल में मैं कभी नहीं फंसने वाली हूं मैं। जब और वाल्मीकि रामायण में तो इतना बोल दिए, मर्म वचन जब सीता बोली, मर्म वचन किसे कहते हैं, जो तीर कर जाए, जो चुभ जाए दिल में, उस वचन को मर्म वचन कहते हैं। जैसे कोई आदमी सीसा को चूर कर दे और गर्म करके कानों में डाला जाए, ऐसे ऐसे कड़वे वचन जब सीता बोलना शुरू करती है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भारिया है, राजा दशरथ की पुत्र वधु है, उनको ऐसे कटु वचन बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन कटु वचन बोलती है और उसका परिणाम लक्ष्मण जाता है और रावण वेश बदल करके आता है और सीता को हर करके ले जाता है। कहीं हम भी तो अपने जीवन को ऐसी कटु नहीं बना रहे हैं? एक छोटे से कटु वचन बोल देंगे, किन पता नहीं सास के मन में चुभ जाए, सास के दिल में चुभ जाए या बहू के दिल में चुभ जाए और जीवन भर के लिए हम नफरत का बीज बो दे और जीवन भर हम रोते रह जाए, जीवन को विषैला बना ले, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हम दीप जलाए अपने अंदर, एक दीप प्रज्वलित करें अपने अंदर। इसीलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए जरूरत है बच्चों को संस्कार की जरूरत है, इसीलिए जरूरत है बच्चे को ये अध्यात्म की परिभाषा सिखाने की जरूरत है, जीवन की परिभाषा सिखाने की जरूरत है। ये दुनिया के चटक मटक में भूलते रह जाएंगे तो जीवन का रहस्य नहीं पा पाएंगे हम।
जो चेहरे की प्रसन्नता जीवन भर नहीं पाएंगे, बस सत्संग बस सुनेंगे और जीवन में फॉलो नहीं करेंगे, तो चेहरे की प्रसन्नता भी नहीं मिल पाएगी। और आपस का जो एक दूसरे में जो गुरुदेव जी कहा करते थे, परिवार में कभी कभी ठठरा करके हंसना चाहिए, ठठा करके बोलते थे और खूब हंसते थे गुरुजी गुरुदेव जी। क्या आपके घर में कभी हंसी होती है? क्या आपके घर में, परिवार में, समाज में कभी हंसी और विनोद होता है कि हम एक दूसरे से गाले फुलाए चलते हैं? ये जरूरी है, घर में परिवार में हंसी विनोद होना चाहिए। गुरुदेव जी बार बार कभी कभी यात्रा करते रहते थे, कभी भी कभी कुछ होता था तो विनोद भी करते थे। एक जगह यात्रा कर रहे थे, गुरुदेव जी गाड़ी में बैठे थे, तो फिर साथ में थो तो हमारे संत कहे साहेब जी थैला पकड़े थे, तो साहेब जी थैला को दे दीजिए कहे। गुरुदेव जी मजाक में कहते हैं, भैया जमाना खराब है, किसके ऊपर भरोसा करें, हम थैला नहीं देंगे। गुरुदेव जी मजाक में बोले, क्योंकि सब लोग जानते थे कि गुरुदेव जी अपने पास तो एक रुपये भी नहीं रखते थे, एक रुपये भी नहीं रखते थे। जो कुछ रहता था वो साथियों के पास में होता था, गुरुदेव जी के पुजारी के पास में होता था, गुरुदेव जी नहीं रखते थे। लेकिन मजाक करते थे, विनोद करते थे, सबको हंसाते थे। बंदगी भोजन के बाद में, हमारे इलाहाबाद आश्रम में भोजन के बाद में 1 बजे बंदगी होती है लगभग, तो 1 बजे बंदगी होती है। तो गुरुदेव जी कोई ना कोई, जब महाभारत लिख रहे थे तो महाभारत का कोई कहानी 2-3 मिनट में बोलते थे और सबको हंसा देते थे। लावज्जी लिख रहे थे तो संत लावज्जी की वाणी को बोलते थे, और शंकराचार्य पर लिख रहे थे विवेक चूड़ामणि तो उनके एक श्लोक को व्यक्त कर देते थे। 2-3 मिनट सब लोग भोजन करके आते थे, बंदगी होती थी, उसके बाद कुछ सुनाते थे, फिर कहते थे जाओ सब आराम करो। उनका जीवन हम सबके लिए एक दर्पण है, हम सबके लिए दर्पण है। आप घर के बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी ऐसा कुछ विनोद होना चाहिए। आप घर के बुजुर्ग हैं, आपके अंदर भी गंभीरता टपकना चाहिए, गंभीरता का रस आना चाहिए। आपके घर में, परिवार में भी आप ऐसे शब्द कभी कभी बोले परिवार के बीच में कि परिवार वाले को लगे अब पापा बदल रहे हैं, दादाजी बदल रहे हैं, आपके चाहते हो जाए, आपके बुढ़ापे में वही लोग काम आएंगे। संपत्ति ज्यादा काम नहीं आएगा, मकान ऊपर मकान ठोकते चले गए, क्या बुढ़ापे में आपके मकान काम आएंगे? आपके पास संपत्ति तो बनाई है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति सेविंग अकाउंट मैंने बताया, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके बहू, आपके बेटे, आपके नाती, आपके पोते, उनके अंदर वो सेविंग अकाउंट भरते जाइए और धर्म का काम करिए। आप धार्मिक जगहों में जाइए जहां अपना तन मन धन लगा करके कभी कभी मन की प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन की कमाई के लिए कुछ लगाइए, अपने समय शक्ति सदुपयोग करिए, अपना समय दीजिए। आप समय दीजिए, और समय एक ऐसा धन है, इससे बड़ा कीमती धन कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस धन को आप जहां लगाएंगे वहीं से आपको वो चीज मिलेगा। पैसा के लगाएंगे तो पैसा मिलेगा, जीवन के लिए लगाएंगे तो जीवन मिलेगा, सत्संग के लिए लगाएंगे तो सत्संग वार्ता मिलेगी। आप कहां लगाते हैं आपकी शक्ति है। मैंने अपनी बात शुरू की थी दीपावली में, जैसे आपके घर में लाखों दीप जला करके आप घर को प्रकाशित किए हैं, घर को सभी तरफ से दीप का उजाला था, वैसे ही अपने अंदर एक ऐसा दीप प्रज्वलित करे जो कभी ना बुझने पाए, हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक जी दीप जलता रहे, दीप जलता रहे। हमारे अंदर वो ज्ञान का दीप, वो प्रेम का दीप, वो शांति का दीप, एक लहर पैदा हो अपने अंदर कि मुझे अब जीवन को प्रेम से जीना है, जीवन को एक उत्साह से जीना है, जीवन में एक आनंद भरना है, जीवन में एक मुझे नए रस, प्रेम रूपी रस पैदा करना है, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है और इसी से जीवन का निर्माण होता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब कार्यक्रम के अंत में पूज्यवर साहेब जी से निवेदन है कि अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की।
बोलिए सतगुरु देव की जय। मैं चाहूंगा, समय अभी आधा घंटा समय है, आधा घंटा बहुत होता है, थोड़ा नहीं। हमारे साथी दूर दूर से आए हैं, उनके भी विचार हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। भक्तवर रूपदास जी ग्राम जरौदा से एवं भक्तवर श्री डॉक्टर मनहरन जी आरंग गुल्लू से एवं भक्तवर श्री द्वारका प्रसाद जी रीवा से आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आते हैं। और आप लोग पूरे जिंदगी को सदगुरु कबीर के राह पर चल करके महापुरुषों के जीवन और दर्शन को अध्ययन मनन करके अपना जीवन को खूब निखारे हैं, इसलिए आप लोगों के भी विचार हम सुनेंगे। जो मैं बोलूंगा वही आप लोग भी बोलेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबके भी विचार इस अवसर पर हम सुने। बोलिए सतगुरु देव की जय। बोली सतगुरु कबीर साहेब की जय। पूज्य सतगुरु अभिलाष साहेब की जय। साहेब मंचस्थ समस्त विद्वज्जन संत महापुरुष धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, हम सब का जीवन अमूल्य है और यह सौभाग्य से मिला है। इसमें इस जीवन के अंतर्गत में सद्गुरु कबीर साहब दो बातें कहते हैं, जड़ और चेतन। जड़ चेतन दो ग्रंथि, जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाए। इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत नाय। इस ग्रंथियों को छुड़ाने के लिए 200 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वह भी अपने रामायण में लिखते हैं, जड़ चेतन दो ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। वेद पुराण बहु कहव उपाई छूटब न अधिक अधिक अरुझाई। सभी प्रकार के उपाय बताया गया है, ये रास्ता ठीक है, वो रास्ता ठीक है। वेद शास्त्रों में अलग 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 सब अपने अपने महापुरुष सब बताए हैं। यह जीवन जड़ और चेतन के द्वारा ही, पांच तत्वों का यह शरीर, अब इसमें चेतन परमात्मा आत्मा जिसे जो भी कहें बोलनहार, उनके नहीं रहने पर यह शून्य हो जाता है। इसमें मन जो है प्रबल, मन के राजा तो है यह आत्मा,
लेकिन मन उसमें सवार हो जाता है, मन को सत्ता दे दी जाती है और उसके कारण से इस संसार में बार 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 आना जाना पड़ता है। चार खानियों के अंतर्गत में अंडज पिंडज युक्मज और यह मानव खानियों के अंतर्गत में हम बार बार इस संसार सागर में आते जाते हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब मन के ऊपर से एक पद बड़ा सुंदर कहे हैं, उसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ आप सबके सामने। मन में संभल के देखो, दो दिन के जिंदगी है। मन में संभल के देखो, दो दिन के जिंदगी है। दो दिन की जिंदगी है, यह उसका बबूला, हाँ यह उसका बबूला। तन ठहरता नहीं है, मन में संभल के देखो। छन्न छन्न में बदलता है, छन्न ही में लुप्त होता। छन्न छन्न में बदलता है, छन्न ही में लुप्त होता। मिट्टी के कच घट में, मिट्टी के कच घट में जल ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, वायु के प्रबल झोंके में दीपक की ज्योति नाजुक। वायु के प्रबल झोंके में दीपक की ज्योति नाजुक। त्यों जिंदगी तुम्हारी, त्यों जिंदगी तुम्हारी ना पायदार की है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, संसार धर्मशाला, सब जीव मुसाफिर हैं। संसार धर्मशाला, सब जीव मुसाफिर हैं। आते ही जाते रहते, आते ही जाते रहते, कोई ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। अच्छी बुरी कमाई, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, दो दिन के जिंदगी में मत दाग तू लगाना। दो दिन के जिंदगी में
मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, तू चेत है भटकता परदेशी का मुसाफिर, तू चेत है भटकता परदेशी का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा, अभिलाष देश तेरा, संसार यह नहीं है, मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो। साहिब, इस संसार में मन में वास्तविक में विचार करके देखें कि कितने बार इस संसार में आए और कितने बार गए, अथाह अनंतो युग विद्या, अनंतो जन्म धारण कर लिए, पर यह मानव शरीर में जो मन है उस पर नियंत्रण रखें। अभी सब वार्ताएँ जो हमारे पूज्य साहेब जी के द्वारा जो चल रहा था वही बातें, और सदगुरु का तो उपदेश ही उस प्रकार से मन को संभाल कर रखो। दूसरे के मन को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को संभाल कर रखने की बातें हमेशा सदगुरु उपदेश करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने मैं इसी बातों को लेकर के अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अविलास साहेब की जय, संत महात्माओं की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। इस सभा में उपस्थित मंचस्थ श्री गुरुचरण साहेब जी और समस्त संतगण तथा मेरे सत्संगी भाइयों, वास्तव में मैं इसके मंच के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी कह दिया गया है, इसलिए मैं अपना विचार कुछ रखना चाहूँगा। श्रोता और वक्ता दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठना अच्छा होता है, तभी सत्संग का मजा आता है। मेरे मन में ये विचार आता है कि वक्ता से अधिक कहीं समझदार ज़्यादा श्रोता होते हैं, क्योंकि श्रोता इतने शांतिपूर्वक जो सुनते हैं तो वो समझते हैं और अधिक समझते हैं, इसीलिए सुनते हैं। ये मेरा विचार है। बड़े बड़े संतों के सामने मेरा विचार एक तुच्छ सा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विचार प्रकट करता हूँ। इस दुनिया में स्वर्ग और नरक क्या है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। स्वर्ग किसे कहेंगे और नरक किसे कहेंगे? लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य मर जाता है उसके पास स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग को किसी ने अभी तक देखा नहीं है और नरक को भी नहीं देखा है, लेकिन कहते जरूर है आप नरकवासी हो जाओगे और आप स्वर्गवासी हो जाओगे। तो हम मनुष्यों से कहते हैं, ये मनुष्य सुनो, जिस घर में पत्नी कर्कशा हो, बात नहीं मानती हो, बाल बाल बात बात में तेज गालियां इत्यादि अपशब्द बोलते रहते हो, जिस घर में संतान किसी का बात नहीं मानता हो और बात बात में अपशब्द बोलता रहता हो, और जिस घर में
जिस समाज में शांति नहीं है, जिस समाज में न्याय नहीं है, तो ये सब को देखते हैं और जिस घर में टूटी खाट पड़ी है और उस पर खटमल चल रहे हों, कितने कितनी अशांति की बात होती है। तो ऐसे ऐसे को हम विचार करें तो हमारा स्वर्ग और नरक घर पर ही होता है। जिस इतनी जितनी बातें हैं, जो पिता शराब पीता हो बार बार उसका पुत्र कैसे मानेगा कि मैं भी शराब न पीऊं, यही तो नरक है। और मरने के बाद कोई ऐसा नरक होगा ऐसी मैं नहीं समझता। उसी प्रकार से हम जीते हैं तो हमें अपने घर में स्वर्ग लाना है। इस स्वर्ग लाने के लिए इस सत्संग किया जाता है। तो जिस घर में पुत्र सभी का बड़ों का आदर करके बात मानता है और जिस घर में स्त्री पतिव्रता होती है और जिस घर में किसी प्रकार का कलह नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, वही स्वर्ग है, ऐसा मेरी कल्पना है। और इस पर मैं थोड़ा सा आगे और बात करूंगा। इस स्वर्ग नरक की कल्पना में हमारे भक्तगण के हमारे समाज में मैंने ये देखा कि लोग रोज रोज खाना खाते हैं, रोज रोज खाना खाते हैं, लेकिन हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। इन दो बातों पर हमें गंभीरता से विचार करना है कि हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। पशु पक्षियों में आप देखेंगे कि वो हमेशा मर्यादा से खान पान करते हैं, मर्यादा से रहते हैं, हैं? और हर प्रकार से उनका जीवन पूरा प्रकृति के नियम के अनुसार बना रहता है। जैसे बकरी, बकरी को आपने देखा कभी कि वो मांस खाए? ऐसा नहीं होता। शेर को आपने देखा कि कभी वो घास खाए? ऐसा भी नहीं होता। तो बकरी जो है अपनी मर्यादा में रह कर ही रहता है, मांस नहीं खाता। उसी प्रकार से शेर भी अपने मर्यादा में रहकर घास नहीं खाता। वो शेर मांस खाता है और बकरी घास खाता है, दोनों मर्यादित रहते हैं। लेकिन अब इधर आते हैं हम लोगों के ऊपर, प्राणी के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, तो ये क्या करते हैं? ये जो पशु पक्षी है वो जीने के लिए खाते हैं। लेकिन मनुष्य, मनुष्य जो है अज्ञानतावश सत्संग में नहीं आते और उसको इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता, वे लोग क्या करते हैं कि वो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। वो कैसे? देखिए, वो अपने खाने के लिए नया नया तरीका सोचते रहते हैं। पिकनिक में जाएंगे तो वो खा के आएंगे और हम घर में रहेंगे तो बहुत सी चीजें, रसगुल्ला, पेड़ा, दूध, जो जिस व्यंजन जो उसको अच्छा लगता है वो खाते रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को और कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें उनके अंदर भरा रहता है और ये भरना यही नरक होता है। तो क्यों फिर ऐसा कैसे करना चाहिए हमको? तो हमको स्वार्थ में ना उतरना चाहिए। स्वार्थ है, हम जो खाते पीते हैं स्वार्थ, सबको बांट के खाइए। आप घर पिलाते हैं कोई चीज, बांट के खाइए, वही तो प्रेम है, वही तो स्वर्ग है। और उसको आप अपने पास रख लिए और किसी को दिए नहीं, अपना खा रहे हैं और पेट खराब कर रहे हैं, तो पेट खराब कर लेना ये आपका नरक बन जाता है और सैकड़ों हजारों रुपए आप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और खुद तकलीफ पाते हैं। ये स्वर्ग की नरक की कल्पना के बारे में मैं थोड़ा सा विचार किया। उसके पास ये कैसे बनेगा, हमारा जीवन कैसे अच्छा बनेगा, इस पर थोड़ा सा विचार करूंगा। उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वार्थ, ये सब चीजें होती है मनुष्य के पास ही स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भावना से जो जीता है वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। स्वार्थ की जो परंपरा है
वो बहुत ही खराब होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परोपकार की हमेशा भावना रखना चाहिए। जो व्यक्ति परोपकार की भावना होता है उसको खुद सुखी होता है और दूसरों को भी सुख देने का उसके पास ताकत बना रहता है। और ये जो होते हैं गुण होते हैं, अच्छे गुण खराब गुण के ऊपर ही आप दूसरों को सुख दे पाएंगे और आप खुद सुख पाएंगे। तो सद्गुण और अवगुण, ये हम जो प्रेम करते हैं, व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, जो हम को खराब लगता है उसको हम दूसरों को नहीं बोलते, ये सारी चीज़ें हमारा सद्गुण है। अवगुण क्या है, हम स्वार्थवश अपने को दूसरों को तकलीफ देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनका धन हरण कर लेते हैं, ये सब जो है अवगुण है। इसी पर थोड़ा सा एक भजन है, उसके बाद मैं अपना बंद करता हूँ। सद्गुण अवगुण के कारण, सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना वो मानव तुम पर निर्भर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना वो मानव तुम पर निर्धर निर्भर। नदी नदी अपना जल नहीं पीती, नदी न अपना जल पीती है, और पेड़ न अपना फल खाते। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के कारण ही तो मानव अनमोल जन्म पाते। पर दुख को अपना माने, पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सब लोगों को साहेब बंदगी। अभी हम सब हमारे दो प्रमुख भक्त के द्वारा काफ़ी कुछ सुने हैं। अभी साहेब जी का सुनना है और साहेब जी ने आधा घंटा का समय दे दिया। अब आधा घंटा में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हम ये सोचते थे कि साहेब जी 5 मिनट बोलेंगे, मैं 5 मिनट बोलूँगा, 15 मिनट निकल जाएगा, साहेब जी 15 मिनट बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बढ़ गया आगे, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पूज्य गुरुदेव जी, हमारे सभी संतगण, हमारे सभी भक्तगण, भक्तिमती माताएं, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भजन है, हालांकि वो जितेंद्र साहेब जी का भजन है, मोबाइल पे आया हुआ है। इस भजन को मैं दीपावली के दिन भी अपने घर में मोबाइल के माध्यम से गाया था। आज भी क्योंकि हम दीपावली मनाए हैं, एक उजाला लाए हैं घर में। साहेब जी ने, पूर्व साहेब जी ने बहुत कुछ कहा है दीपावली के बारे में, प्रकाश अंधेरे से दूर भगा करके प्रकाश की ओर हम आगे बढ़े हैं, और इसीलिए हम दीपावली भी मनाते हैं। इतना पावन पर्व में एक बार घर की सफाई, एक दूसरे परिवार से मिलना जुलना, दूर दराज में जो हमारे नेमी प्रेमी हैं वो घर में आकर के एक परिवार में बैठ करके एक साथ सत्संग करना, ये दीपावली है। तो
तो ऐसे दीपावली के पावन पर्व में एक भजन है, वो भजन है दीपावली सबको मुबारक हो। दीपावली सबको मुबारक हो, दीपावली सबको मुबारक हो, दीपावली दिवाली दिल से मनाएंगे, दिवाली दिल से मनाएंगे, ज्ञान के दीप जलाएंगे, ज्ञान के दीप जलाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, हो रोशनी घर घर में, हो रोशनी घर घर में, हो प्रेम व्यवहार दिल से, हो रोशनी घर घर में, हो प्रेम व्यवहार दिल में, तजे राग द्वेषहीनता, तजे राग द्वेषहीनता, आज हम सब हर्षाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, ज्ञान के दीप जलाएंगे, नर नारी एक समान, नर नारी एक समान, करे सबका सम्मान, नर नारी एक समान, करे सबका सम्मान, गैर नहीं समझे कोई, गैर नहीं समझे कोई, सबको गले लगाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, दिवाली सबको मुबारक हो, ज्ञान के दीप जलाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, झोपड़ी हो या झोपड़ी हो महलों के भाई, झोपड़ी हो महलों में भाई, बढ़ती रहे धन प्रभुताई, बढ़ती रहे धन प्रभुताई, मिलकर एक दूजे को, मिलकर एक दूजे को, तहे दिल खुशियों बांटेंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, ज्ञान के दीप जलाएंगे, दीपावली मुबारक हो, ज्ञान के दीप जलाएंगे, दिल में हो नए अरमान, छोड़ कपट माया अभिमान, दिल में हो नए अरमान, छोड़ कपट माया अभिमान, सत्य अहिंसा पथ पर चलकर, सत्य अहिंसा पथ पर चलकर, खुद के विश्रांति पाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे, दिवाली सबको मुबारक हो, दीपावली सबको मुबारक हो, हर एक अरमान पूरा हो, दीपावली सबको मुबारक हो, हर एक अरमान सबका पूरा हो, जितेंद्र हो दिल बोधि विचार, तभी दीपावली सफल बनाएंगे, दीपावली दिल से मनाएंगे। साहे बंदगी साहे, मैं इन पर दो शब्द बोलना चाहूँगा। हालांकि हम लोग कबीर पंथ पारक सिद्धांत के मानने वाले हैं, लेकिन अभी भी मैं बहुत ऐसे कबीरपंथी परिवार को देखा हूँ, उस दिन ना तो कोई साहेब से चर्चा करते हैं, ना साहेब से कोई आशीर्वाद लेते हैं, ना साहेब से कोई फोन से संपर्क करते हैं। मेरा निवेदन है इस बात का, जब आप दीपावली घर में मनाते हैं, कोई भी पर्व हो, आखिर पर्व तो किसी भी हमारे इतिहास में जो रचा हुआ है उसी को ही तो उजागर करते हैं।
होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, तो जरूर कुछ पल के लिए साहेब जी से जरूर संपर्क करके अपनी बात को रखें, आशीर्वाद लें। तो ऐसा दीपावली जब मनाते हैं तो क्या करते हैं, दीप तो जलाते हैं, घर को उजाला करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कोने कोने में दीप जलाते हैं। साहेब जी ने कहा कि कोठी में भी हम दीप जलाते हैं। अब कोठी तो खाली है, कोठी अब रहा नहीं, बहुत कम हो गया जब से सरकार ने धान खरीदी चालू किया, कोठी भी बंद हो गया, लेकिन दीपावली हर कोने कोने में जलाते हैं। तो उस दिन साहेब जी को हमको याद करना चाहिए। साहेब जी के जो गीत है, प्रवचन है, कैसेट के माध्यम से हमको सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम लोग काफी लोग कबीरपंथी भाई लोग भी क्या करते हैं, फोटो रख लेते हैं लक्ष्मी जी के, पैसा सजा देते हैं, सिक्का रख देते हैं, आरती पूजा करते हैं। अपने के बड़े, अपने से जो बड़े हैं घर में, सबसे बड़े हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा धन है। उनको आप मंच दें, उनके उनके विचार को सुने, और उनसे ही माता पिता हैं तो माता पिता, माता पिता नहीं है तो बड़े भाई बड़े भाभी, उनको बिठाइए आप, उनकी आरती पूजा कीजिए, उन एक नया संस्कार डालिए। एक नया संस्कार तभी जगेगा जब वो बच्चे देखेंगे, आपके बच्चे जब देखेंगे इस पद्धति को, तो वो भी आगे चल के वो वही पद्धति अपनाएंगे। आज विडंबना है हमारे कबीर पंथ में, बहुत विडंबना है, बहुत आडंबर इतना हो गया है कि हम संभलते संभलते भी संभल नहीं पा रहे हैं। आज हम कीमती समय निकाल करके हम सब भक्त लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, अपने विचार को साहेब जी के साथ भी रखने आए हैं और साहेब जी का प्रमुख विचार सुनने भी आए हैं। तो मेरा निवेदन है, मैं जैसे श्री धर्मेंद्र साहेब जी से, श्री परीक्षा साहेब जी से, साहेब जी से सभी दिन, उस दिन मैं मोबाइल के माध्यम से स्पीकर चालू करके कुछ बात सुनने और आशीर्वाद का प्रथा मैं चलाया हूँ, और ये काफ़ी दिन से मैं चेक करते आ रहा हूँ। और हमारे घर में हम आसन बनाते हैं, आसन में हमारे मेरे से बड़े भैया हैं, हमारे बड़ी भाभी है जो माँ के समान हैं, उनको मंच देते हैं और उस मंच के माध्यम से हम आरती पूजा करते हैं, और जो उनसे बन सके और जो हमसे बन सके हम भेंट पूजा भी करते हैं। जैसे हमारे माता पिता थे, पहले हम माता पिताजी थे तो उस समय माता पिताजी को बिठाते थे, और माता हमारे पिताजी तो हमको 40 साल 42 साल पहले हमारे को कार्यभार सौंप दिए, सन 80 में 1980 में। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पिताजी और हमारे माताजी को कोई लालच नहीं है, कोई संपत्ति का मोह नहीं है, उसने त्याग दिया, लेकिन अभी भी उनको कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा। तो हम क्या करते थे, या तो पूरा एक साल का बजट साहेब जी से कुछ सलाह लेकर के, और पिताजी से कुछ सलाह लेकर के, माताजी से कुछ सलाह लेकर के, आपके दवाई पानी खाने पीने कपड़ा से लेकर के सारी पैसा एक बार हम चढ़ा देते थे, ये आपका पैसा और जरूरत पड़े और लगा देंगे। तो हम हमको हमसे मंगने की जरूरत नहीं पड़ता था, कभी जरूरत नहीं पड़ा कि पिताजी ने कभी हमको नहीं कहा कि ये 40 साल 42 साल की उम्र में, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हम माता पिता को कभी हमसे ये नहीं कहा कि बेटा हमको इसकी आवश्यकता है। वो इलाहाबाद भी जाते थे, बुरहानपुर प्रतिवर्ष जाते थे, वो पैसा इतना हम दे देते थे पिताजी को, वो पैसा लेकर के चले जाते थे, और उस और बसता था तो हमारे लिए और परिवार के लिए कुछ लेके भी आते थे। तो कोशिश हम ये करें जिनके माता पिता भी हैं, ऐसा संस्कार अपने घर में जरूर बनाएं। एक नई दिशा मिलेगा, उस बच्चे को सीखने को मिलेगा, जो भटक गए हैं बच्चे, बहुत भटके हुए हैं, आप और हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, एकदम कटु सत्य है, बोलने में कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। जब हम अपने को नहीं दे पा रहे हैं, और दूर की बात है, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे कि हमको आगे क्या करना है, हमारा प्रारब्ध कैसे बनेगा, हमारा जीवन कैसे कृतार्थ होगा, कैसे हम कबीर साहब के मार्ग को अपने जीवन में पूर्णता उतारें,
ऐसा जब तक मन में नहीं आएगा तब तक आप आगे भविष्य अपने बच्चे का संस्कार नहीं बना पाएंगे। तो मेरा निवेदन है, ये भक्तों के लिए है। गुरुदेव लोग तो अपना त्याग तपस्या घर द्वार छोड़ करके आ गए हैं, अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और भक्तों का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन अब जो कर्तव्य है वो हम सब का बनता है कि हम बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को इतना इज्जत दें ताकि आपको भी इज्जत इतना ही मिले। यही निवेदन है। हम अभी इलाहाबाद गए थे, मौसम बहुत खराब था, बारिश काफी हुई। अयोध्या में तो एक ही दिन का कार्यक्रम हुआ, दो दिन का कार्यक्रम नहीं हुआ, पानी भर गया, भयंकर बारिश हुआ। इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में इतना बढ़िया मौसम साथ दिया, इलाहाबाद में भी बारिश हुआ लेकिन आश्रम में बारिश नहीं हुआ, आश्रम में बारिश नहीं हुआ। और इतना साहेब जी से चर्चा होते रहा, बड़े साहेब जी से, श्री धर्मेंद्र साहेब जी से, कैसे होगा कार्यक्रम, कैसे होगा कार्यक्रम, क्योंकि इतनी मौसम खराब थी कि ऐसा लगता था कि कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे साहेब जी की असीम कृपा, मौसम ने साथ दिया और कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से हुआ। और समय निकले तो जरूर इलाहाबाद, अयोध्या, दो जगह प्रमुख स्थान है और बुरहानपुर, कोशिश करें कि जरूर जाएं वहां। वहां का जो सिस्टम है उसको थोड़ा अपना के देखें। इतनी बड़ी भीड़, भक्तों के द्वारा पूरा व्यवस्था होता है, भक्तों के द्वारा। बिहार से इतने भगत आते हैं, इतने भगत आते हैं कि कोई सामान बिफोर टाइम बन जाता था, भोजन प्रसाद बिफोर टाइम, आधा घंटा एक घंटा पहले बन के तैयार हो जाता था। 10,000 लोग भोजन पा रहे हैं लेकिन आधा घंटा पहले बन के तैयार, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल देरी नहीं, नाश्ता एकदम पहले। और भक्ति यहाँ से जो मूरा से, नवागांव से, यहाँ से जो भक्तिमती माताएं गई थी हमारे साध्वी जी, उन लोग पूरा सेवा दे रहे हैं। मतलब देखने लायक लगता है कि कैसे हम यहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं। यहाँ तो आश्रम में बिल्कुल टाइम में हो जाता है लेकिन घर में हम काम करें, घर में कोई व्यवस्था करे तो टाइम पे व्यवस्था नहीं हो पाता। हम साहेब जी को टाइम पे भोजन व्यवस्था नहीं करा पाते। आप खुद खुद कई बार ऐसा महसूस किए होंगे। तो मेरा निवेदन है ऐसी व्यवस्था को देखें, ऐसे सत्संग का लाभ उठाएं और समय समय पर देखिए। मेरा आज तीन जगह का धान खरीदी का उद्घाटन का कार्यक्रम था, तीन जगह मैं तीनों जगह अटेंड किया। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से बात हुआ, डॉक्टर साहब बोले आप रुके, मैं पक्का आऊंगा, कैसे भी करके आऊंगा। डॉक्टर साहब पहले निकलने वाले थे तो मैं बोला रुक जाइए, आपका भी अब्सेंट होता है। मैं तो डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज भी, जैसे अभी अपनी कहा आपने कि खाने के ऊपर कहा कि आप पेट भर एकदम तान के कभी मत खाइए। और शेर का और बकरी का उदाहरण दिया, बकरी घास और शेर मांस मटन खाते हैं लेकिन मनुष्य तो दोनों खा रहे हैं, फल फूल तो खा ही रहे हैं लेकिन वो मांस मटन भी खा रहे हैं। देखिए वो जाति ऐसा है कि वो जिसका खाने का है वही खाता है, मांस मटन नहीं खाता बकरी का भी। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, सब तो खा रहे हैं, कोई चीज को छोड़ ही नहीं रहे और अति ज्यादा खा रहे हैं इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब उदाहरण देकर के अपने पेट रोजी मार रहे हैं लेकिन समझाने के लिए कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब खुद प्रैक्टिस करते हैं ना, रोज बैठते हैं हॉस्पिटल में, उसी का इलाज कर रहे हैं। अगर उसको मान ले तो उनका सुई लगाना बंद हो जाएगा लेकिन मानना जरूरी है। तो ऐसे विचार डॉक्टर साहब के मन में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और थोड़ा सा परिवर्तन, संसार माया मोह जंजाल में हम सब पड़े हैं लेकिन त्याग तपस्या जरूरी है। इस मनुष्य योनि का एक ही ऐसा योनि है, कभी बकरी और कभी शेर, कभी उनका जीवन कभी कृतार्थ नहीं हो सकता लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो निश्चित रूप से आप अच्छा मार्ग पकड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ऐसे मधुर बेला में मैं साहेब जी को और सभी हमारे भक्तगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस आश्रम में ऐसा कार्यक्रम निरंतर होते आ रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। ऐसा निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, मेरा ही समय ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।
जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित सभी भक्त सज्जनों, श्रद्धामती देवियों, ये जो नवंबर महीना में मीटिंग हुई थी आगामी वार्षिक कार्यक्रम हेतु पिछले वर्ष, और उसी दिन ये निर्धारित की गई थी कि हर महीना में मासिक सत्संग होगा। दिसंबर महीना के 1 तारीख से शुरू हुआ और शुरू का जो शुभारंभ भक्तवर श्री द्वारका प्रसाद जी रीवा वाले की तरफ से हुआ था, तब से अनवरत पूरा चल रहा है, साल भर हुआ। और हम चाहते हैं कि शुरू में तो उपस्थिति नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, आज भी देखा तो 2-3 लोग रहे शुरू किया तो, लेकिन 50, 60, 70, 80, 100, 200 से कम नहीं होते हैं। लगन है आप सबके, आप सब आएं, अपने परिवार को जोड़ें, अपने इष्ट मित्रों को जोड़ें, पड़ोसियों को जोड़ें, और यही जो है सत्संग भविष्य निधि के लिए संबल है। जैसे बैंक में जमा की जाती है द्रव्य, तो इस जीवन के लिए दुख और सुख में काम आता है, वैसे ही आज जो संचित क्रियामान और प्रारब्ध 3 कर्म है, संचित जमा हुआ है अभी, प्रारब्ध वर्तमान में भोग, और क्रियामान जो हम लोग कर रहे हैं 3 है, तो संचित जमा है वो तो जमा है, वर्तमान प्रारब्ध हमको दुख और सुख मिल रहा है वो प्रारब्ध है, क्रियामान कर रहे हैं, इसलिए अच्छा सच्चा करें, जीवन जिए। जीवन समाप्त होने पर है, किसका कब समाप्त हो जाए तो पता नहीं, इसलिए भविष्य निधि अधिक से अधिक समय सत्संग भजन ध्यान सेवा का सेवा में देना चाहिए, वो नर हो या नारी सबको। आगामी कार्यक्रम 7, 8 और 9 फरवरी को है, इसके बारे में कुछ चर्चा भोजन पश्चात आप सब 5-10 मिनट आधा घंटा जितना भी समय लेकर अपना अपना विचार दे देंगे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे हुआ ऐसे होना चाहिए, हम अच्छे से अच्छे समाज को रोशनी दे सकें, अच्छे दिशा दे सकें अपने विचारों से, और संतों के द्वारा इस प्रकार से अपना अपना विचार भोजन के तत्पश्चात यहाँ पर बैठ करके अपना विचार देंगे। अभी भोजन और आज का जो कार्यक्रम है का आयोजक है कि कुसरंगी निवासी डोमार गौटिया के जो साला है गिरधर, उसके छोटी बहन नंदनी देवी जो अविवाहित है और आंगनबाड़ी में जाती है, उन्होंने पिछले महीना ही कह चुकी थी कि मेरे तरफ से ये कार्यक्रम पिछले महीने के कराने वाली थी, लेकिन भक्तवर श्री काशीराम जी के परिवार आकर के सबल हो गए, नहीं हमारे पिताजी दादाजी के स्मृति में होना है, और इसी महीना में दादाजी का निर्वाण भी हुआ था और जन्म भी हुआ था, इसलिए अक्टूबर महीना का वो लोग ले लिए। तो नवंबर महीना का नंदिनी देवी का आज का भोजन जो आप सब ग्रहण करेंगे वो देवी की तरफ से होगा, और आप सबके तरफ से ये सब पूरा सहयोग है। सहयोग आप लोग ना आते तो उनका भंडारा कहाँ से हो सकता, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और दीपावली के बारे में
हम सब सुने हैं श्री द्वारका जी से कि दीपावली मनाएं तो घर घर में हम सब पति पत्नी में भाई भाई में बेटी बेटा में सबके साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए और ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। आपने कहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सीख को हम सबको भी अपनाना है। बोलिए सतगुरु देव की जय। अच्छा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय संत समा तथा भक्त समाज, मैं आप लोग के सामने एक भजन रख रहा हूँ। साहेबंदी साहब गुरुदेव सत भजना वाली थे का देखो वंदना है थे नाना जल्दी ला गुरुदेव सद गुरु मुक्ति दाता ते ही धूप दीपल पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महादीजिए कर जोर करूं मैं स्तुति गुरु तरन तारन दयाल क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल आप पारख रूप साहेब जानते सब माह की मैं अधम करनी जीव सदगुर नाही हाँ कछु लायकी गुरु करत हाँ मैं बिनती प्रभु सुनी जो दीन अनाथ की अधम उधारन भव भयहार जीवन करत सनाथ जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गहि सके दया क्षमा दी हो जिन में आप को सो नहीं सको में सदगुण नाही साहे लहू मैं कैसे आपको बार बार मैं करत बिनती शरण लीजे दास को शरण शरण मैं शरण हूँ कहाँ तब ने कछु ना जानत हूँ सबके सर्वोपरि गुरु मा करुणा निधि है स्वागत मंगल करन शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए बहु राग दे सही ग्राहयो परवाह में बहते हुए नुजनान जहाँ
प्रदान करते मार चार मीटा करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाए है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सबका बता कर सार असार विशुद्ध बोध कराए करुणा निधि है स्वागतम मंगल कर शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाए अब दास का यही है विन गुरु पतित पावन चरण में सब स्तुति करता निज सेवकरया पत्र पुष्प स्वीकारिय करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण सु आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपना दर्शन की बलिहार गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहार दर्शन की बलिहार गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहार तुम्हारे दर्श से संकट कट तो है तुम्हारे दर्श से संकट कट तो है भरम मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी संत स्वरूपी आप कृपा निधे संत स्वरूपी आप कृपा निधे खोलत भरम की वारे गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारे दर्शन की बलिहारे गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारे जिन्हें तरस सुख दियो दया करे जिन्हें तरस सुख दियो दया करे आवागमन निवारे गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारे दर्शन की बलिहारे गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारे सुख सरूपक वीर कृपा निधे सुख सरूपक वीर कृपा निधे पूरन परख बिहार गुरु जी तुम्हारे
दर्शन के बलिहारे दर्शन। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भय, दरस परस गुरु चरण शरण भय, टूट गयो याम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भय परख परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती, दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर, बिनवत हो कर जोर के गुरु शरणागत, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहो भुला, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन है खानी बान के भी, दया करी गुरु बोधिये मैं हो दमयति, काल जाल बहु फेर में पर निपट गवा, शरण आए की लाज है साहेब लीजे, मन बच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर या दीजिए वरदान सदाया, साहेब के दरबार में कमी काहू के ना, बंदा मोई पावे नहीं चूक चाकरी, ना गुरोरधिकम तत्त्वम ना गुरोरधिकम तप, गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा,
गुरुदेव गुरुधर्म गुरुनिष्ठा परम तप गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरु परम। बैठ जाइए सब जने पीछे बंदो सन मुख पार की शीश भेट धरुहा वचन उचारो बंदगी सत प्रेम के साहेब।